सो दिस वॉज अ वेरी सडन प्लान टू मुंबई. जुड़े रहो आखिर तक इस व्लॉग में, तुम्हें जरूर मजा आएगा. भाई अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो 40 मिनट के अंदर मुझे तैयार होना पड़ता है और उसके बाद हम सीधा निकल जाते हैं पुणे स्टेशन के लिए, क्योंकि 7:15 पर हमारी डेक्कन क्वीन वाली ट्रेन थी. स्टेशन पहुंचकर मैं देखता हूँ जैद भाई तो मेरे से भी पहले स्टेशन पहुंच गए. ज्यादा झाड़ तैयार हो गया है भाई तुम तो. एम्बुश. जनरल डब्बे में सीट मिलने का काम है. अब ट्रेन में बैठे हुए हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम मुंबई में पहले कौन सी जगह जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग कब करेंगे एक्सेट्रा एंड ऑल. अब ट्रेन करजत स्टेशन पे रुके और हम करजत का फेमस वड़ा पाव ना खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. लोनावला और खंडाला की खूबसूरती बारिश के मौसम में तो कुछ अलग लेवल पर होती है भाई. अगर अभी तक आपने लोनावला खंडाला बारिश के मौसम एक्सपीरियंस नहीं किया तो डेफिनेटली एक बार तो एक्सपीरियंस जरूर करो यार. भाई फाइनली 11 बज रहे हैं, अभी 11 बजे ट्रेन आधा घंटा लेट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. और ये हमारे जैद भाई, भाई के जूते तो बहुत मस्त दिख रहे हैं. लेकिन यार अचानक ये मुंबई आकर पुणे की याद क्यों आने लगती वो कैफे है हम लोग क्या नहीं कैफे या कुछ तो भी है उधर ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं अभी. एक्चुअली वो भी वॉकिंग. भाई मेरे साथ देता हूँ, जरा फिटनेस का ध्यान रखेंगे. भाई वॉकिंग मत बोलो भाई. मैं तो भाई CST स्टेशन के बाहर निकलते ही कैमरा निकाल कर पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दिया. जो भी मुझे विंटेज एस्थेटिक बिल्डिंग्स दिखे मैंने सबके तस्वीरें क्लिक की है. देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा. कया नहीं है इनको. खाओ खाओ भाई खाओ. चिकन ऑमलेट का रिव्यू दो. चलो भाई एक नंबर चिकन ऑमलेट था, मैंने पुणे में भी खाया है पर घर पे बना के. मेरे को तो सही लगा हाई प्रोटीन चिकन ऑमलेट. हमने पहले एक मंगाया फिर अरमान भाई को पसंद आया तो उन्होंने. मेरे को सही लगा शैटर्ड चिकन रहता था ऑमलेट करके. ऑमलेट के ऊपर चिकन शैटर्ड कर. अरे वो जो भी आप समझ गए होंगे. फिर हम दोनों पहुंच जाते हैं हजी अली दरगाह पे और हजी अली दरगाह के बाहर जो मस्जिद होती है वहां पर हम जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं. हजी अली दरगाह एंटर करते वक्त जो ठंडी हवा का एहसास होता है वो मैं हर दफ़ा जितने बार मुंबई आता हूँ उसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेता हूँ. उस हवा से, उस ठंडी हवा से जो सुकून मिलती है ना वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता. वो तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे तो तुम समझ जाओगे. फिर हमेशा की तरह तुम्हारा भाई फिर कैमरा निकाल कर तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है. जैद भाई का फेवरेट है भाई. ट्रांसफॉर्मेशन करे बाद क्या कर रही है तुम? समझ में नहीं आ रहा भाई, मालूम क्या करके टैक्सी लेना पड़ रहा है. उधर जाने के लिए कौन सी बस है कुछ समझ में नहीं आ रहा. बस जाती है ना 154 जाएगी. 154 हम 124 पे चढ़े हो बोला भाई. नहीं जाती उधर जा. 165 जाएगी. चलो हाय बॉस. इंस्टाग्राम पे देख के आए हम पुणे से स्पेशली. सही है. सिंगल 400 की है, 1000 में 3+1 फ्री मिला है आपको. फिर ये वाली सिंगल 400 में 1000 में 3 है एसेंशियल्स की जो ट्रेंडिंग में अभी. फिर इसके साथ ये वाली जो सिंगल लोगे आप 1000 की है, आपको 2500 में 3 का कॉम्बो मिला है. तो 2 कार्गो और 1 कॉर्डराई जैकेट भी है. और हुडी आपको 1400 में 2 पड़ी है. तो ये ओवरऑल पूरे शॉपिंग पे आपको 2 टी शर्ट फ्री मिले. राइट.
थैंक यू। आपका नाम बता दो एक बार। रवि, रवि। काफी सही टी शर्ट मिल गए भाई, काफी सही। बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई भाई अभी तो, बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई भाई बजट के बाहर। पर अच्छा मैंने मैंने इतना कुछ नहीं लिया, ये सब इसके अंदर ज्यादा करके उनका ही है, मेरा ज्यादा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भाई। अच्छा डील। और ये मुंबई की बारिश में बुरा हाल, ऊपर से बैग भी पेपर के बैग दिए यार, भीग जाएंगे। ओवरब्रिज भाई अब उनने प्राइवेट बस बुक की है, देखो प्राइवेट बस है पूरा। A few minutes later. तो हम लोग CST पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि हमें रात में रुकने के लिए डॉर्मेट्री मिल जाएगी। रील पे देख के आए हम लोग, पर घंटा हमें तो डॉर्मेट्री मिली ही नहीं वहां पे। रूम ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हम तो मिल रही नहीं भाई, जो मिल रही अभी तुम लोग मजे लो, जाओ अभी तुम लोग कमेंट सेक्शन में मजे लो, जो मिल रही वो इंसान टेढ़ा निकल रहा। अच्छा है, अच्छा है उसका रूम भाई, एक एक्टिवा जितना जगह है उसमें तो। 2 hours later. बहुत खुशी हो रही है भाई। ये रहा हमारा डॉर्मेट्री, वो भी सिर्फ 300 रुपये का, बस ठिकाना मिल गया, ठिकाने के पैर होके निकल चुके हैं फिर से स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। कितने भाई? अरे कैमरा उठा कर स्टेप्स, ये आज के स्टेप्स है रेड बाइक के। कितने भाई? अरे बाप रे, जस्ट बॉम्बे थिंग्स, जस्ट बॉम्बे थिंग्स। लोग आ गए हैं रूहानी रेस्टोरेंट। देखो अभी भाई क्या खाने का बोलो, रोटी मंगाओ, रोटी रोटी में कुछ तो भी नहीं, रोटी ग्रेवी। हम लोग इतना थक गए थे कि खाना खाने के बाद सीधा पहुंच गए डॉर्मेट्री और फिर सो गए। The next day. नदी पात्रा देख देख के मैं भी बोर हो गया, कड़क मसला भी देख देख के बोर हो गया भाई, लेकिन उधर का रहने भी नहीं लगे भाई। संडे मॉर्निंग मरीन ड्राइव एक्सपीरियंस इज इरिप्लेसेबल, आपको इतना मजा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक दफा संडे मॉर्निंग मरीन ड्राइव एक्सपीरियंस जरूर करो। हमने वहाँ पे बहुत सारे डांस देखे, बहुत अलग अलग आर्टिस्टिक लोग देखे यार, कलाकार देखे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद उसको एक्सपीरियंस करो, मरीन ड्राइव संडे मॉर्निंग जाकर एक्सपीरियंस करना, काफ़ी मजा आएगा आपको। फिर मैंने मेरा कंटेंट, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखते हो तो आपको पता होगा मैं स्ट्रेंजर पोर्ट्रेट्स क्लिक करता हूँ, मेरा कंटेंट मैंने बहुत सारा शूट किया वहाँ पर। अब तक मैं मुंबई का कंटेंट डाल रहा हूँ, मैंने तकरीबन 15 से 20 स्ट्रेंजर पोर्ट्रेट शूट किए हैं मुंबई में,
जो कि मैं ऑल्टरनेट डेज डालता रहता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और स्ट्रेंजर पोर्ट्रेट का कंटेंट बहुत सारा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। ओनली ओनली फॉर गर्ल्स। साले अबे साले भाई, सुबह 6:30 बजे से 6:30 7 बजे से लेके तो अभी 12:40, इतनी देर तक किया है, स्ट्रेंजर पोर्ट्रेट्स किया है, थोड़ा बहुत मरीन का वाइब एंजॉय किया है। तो भाई तुमने क्या करे वो बताओ। मैंने भी सिर्फ वाइब एंजॉय किया है, और वाइब तो बहुत सही है भाई, मरीन ड्राइव डेफिनेटली। If you haven't visited yet Mumbai Marine Drive, then you should visit Mumbai Marine Drive soon. Because जो मज़ा है ना यहाँ का, जो vibe है ना, और संडे के दिन सुबह से लेके तो 11 बजे तक तो काफ़ी सही। पानी का बॉटल लेकर आ जाना, पानी का बॉटल बहुत आगे चलने के बाद मिलेगा, वो भी 10 रुपये महंगा मिलेगा, 30 रुपये का, 40 रुपये का मिलेगा जो भी है। और कितने स्टेप्स हुए आज के, स्टेप काउंट 15,733 स्टेप्स, मतलब वापस से कितने किलोमीटर, 12 अराउंड 10 किलोमीटर का हम लोग का आज पूरा कार्डियो हो गया है, वो भी फास्ट, वो भी फास्ट, अभी तक नाश्ता नहीं किया है, सीधा लंच करेंगे, वो भी किधर, शालीमार में, शालीमार में, फिर बैक टू पुणे जंगल। अभी किधर, शालीमार। शालीमार में खाना खाने के बाद हम इतने थका हुआ महसूस कर रहे थे कि हम यहाँ से सीधा चले गए दादर स्टेशन, और वहाँ से जो 400 रुपये में 300 रुपये में कार मिलती है ना, वो पकड़ के सीधा आ गए हम पुणे रात को 8 बजे तक।